स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल BCT News पर। यहां हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें आप तक। BCT News, हर खबर आप तक। आज हम बात करेंगे WhatsApp के द्वारा लाई जा रही कुछ शानदार अपडेट्स की। सोशल मीडिया ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के लिए कई शानदार फीचर्स लेके आ रहा है। इसमें एनिमेटेड स्टिकर्स, व्हाट्सएप ऐप वेव के लिए डार्क मोड, QR कोड्स आदि शामिल हैं। नए अपडेट में कंपनी ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग को भी पहले से काफ़ी बेहतर कर दिखाया है। व्हाट्सएप के सारे नए फीचर सारे यूजर्स के लिए रोल आउट किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में ही यह भारत में भी सारे मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं व्हाट्सएप के द्वारा अपडेट किए जा रहे कुछ टॉप फीचर्स के बारे में। व्हाट्सएप नए अपडेट्स के साथ एनिमेटेड स्टिकर्स ला रहा है। व्हाट्सएप स्टिकर का इस्तेमाल तो यूजर काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन नए एनिमेटेड स्टिकर के साथ कंपनी यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाना चाहती है। कंपनी का मानना है कि नए स्टिकर्स के आने से यूज़र अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। नए स्टिकर्स रोल आउट करने के बारे में व्हाट्सएप ने कहा है कि व्हाट्सएप स्टिकर्स यूज़र के बीच एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इस वक्त दुनिया में हर रोज अरबों स्टिकर्स एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। हम लोग इस बार नए एनिमेटेड स्टिकर्स पैक को रोल आउट कर रहे हैं ताकि चैटिंग को और भी मज़ेदार और एक्सप्रेसिव बनाया जा सके। वहीं व्हाट्सएप जो दूसरा टॉप अपडेट ला रहा है वो है QR कोड्स का। स्टिकर्स के साथ ही व्हाट्सएप ने QR कोड्स फीचर्स की भी घोषणा कर दी है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को नए कॉन्टैक्ट्स ऐड करने में काफ़ी आसानी होगी। अब यूजर सेंडर को भेजे गए QR कोड को स्कैन करके अपने कॉन्टैक्ट्स में जोड़ सकेंगे। व्हाट्सएप का यह अपडेट कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना अब काफ़ी आसान बना देगा। वहीं व्हाट्सएप अपने नए अपडेट्स के साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग को और भी मज़ेदार बना रहा है। व्हाट्सएप ने हाल ही में ग्रुप वीडियो कॉल मेंबर्स की संख्या को 4 से बढ़ाकर 8 कर दिया था, लेकिन अब कंपनी ने वीडियो कॉलिंग फीचर को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। यूजर अब चाहे तो ग्रुप वीडियो कॉलिंग के दौरान यूजर को फुल स्क्रीन पर देख सकेंगे जिस पर वह फोकस करना चाहते हैं। इसके लिए यूजर को उस यूजर के वीडियो को थोड़ी देर तक प्रेस करना होगा जिसे वे फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। साथ ही व्हाट्सएप अपने इस नए अपडेट के साथ वेव के लिए भी डार्क मोड लेकर आ रहा है। इस साल की शुरुआत में व्हाट्सएप ने अपने मोबाइल ऐप के लिए डार्क मोड लॉन्च किया था, लेकिन अब कंपनी इसी डार्क मोड को वेब यूजर के लिए भी लेकर आ रही है जो व्हाट्सएप को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर यूज करना चाहते हैं। यह फीचर आने वाले कुछ दिनों में सभी यूजर्स को मिल जाएगा। ये सारे टॉप फीचर्स व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिए हैं। इन फीचर्स को कंपनी अब धीरे धीरे ग्लोबल यूजर्स के लिए रिलीज करती रहेगी। आप लोगों को व्हाट्सएप का ये नया फीचर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे बता सकते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम आप तक लेकर आते रहते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक। धन्यवाद।